दोस्तों, अगर आप सवर्ण जाति से हैं, अगर आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, मारवाड़ी या मराठा, जो ओपन कैटेगरी में आते हैं, तो इनको जो है 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या आरक्षण के लिए हम एलिजिबिलिटी और पात्रता क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, इनकम और प्रॉपर्टी कितनी होनी चाहिए, अप्लाई इसे हम कैसे करें और इसे अप्लाई करने के नियम और रूल्स जो है वो क्या है, इस बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं फिरदौस शेख, डिजिटल बनो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलो देख लेते हैं हम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें। यदि हम सवर्ण जाति से हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, मारवाड़ी, जैन या तो मराठा, अगर हम ओपन कैटेगरी से है, ओपन कास्ट कैटेगरी से है, तो हमें ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण का जो है ये फायदा, इसका बेनिफिट हम ले सकते हैं। और ये जो 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण है, ये कैसे हम अप्लाई करें, इस बारे में हम देखेंगे। तो दोस्तों, अभी फिलहाल देश के अंदर जो मौजूदा आरक्षण की स्थिति है, एससी शेड्यूल कास्ट के लिए 15% है, एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% है और ओबीसी के लिए 27% है। और राज्यों की अगर बात करेंगे तो अलग अलग राज्यों में ये आरक्षण का परसेंट है ये अलग अलग भिन्न भिन्न है। तो ये सेंट्रल का जो है ये इस तरह से है। अभी हमें अगर ईडब्ल्यूएस सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अगर लेना है, तो उसके लिए जो है तुम्हारी फैमिली की इनकम जो है 8 लाख से नीचे होना चाहिए। उसी के साथ में तुम्हारे फैमिली मेंबर के नाम से अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो 5 एकड़ से नीचे होना चाहिए। तुम्हारे फैमिली मेंबर के पास में अगर सदनिका यानी फ्लैट 1000 स्क्वायर फुट से कम होना चाहिए। उसी के साथ में रहवासी प्लॉट यानी जमीन, रहवासी जमीन अगर शहरी भाग में है तो 100 स्क्वायर यार्ड के नीचे होना चाहिए, और अगर रहवासी प्लॉट ग्रामीण क्षेत्र में है तो 200 स्क्वायर यार्ड के नीचे होना चाहिए। और यही जो कंडीशन है ये केंद्र के लिए है। और अगर और ईडब्ल्यूएस के जो स्टेट के लिए ईडब्ल्यूएस है, उसके लिए ये जो क्राइटेरिया है या मर्यादा है ये भिन्न भिन्न भी हो सकती है। अभी हम महाराष्ट्र के ईडब्ल्यूएस की अगर बात करेंगे, तो महाराष्ट्र ईडब्ल्यूएस में फिलहाल 2 तरीके से इसको ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक अपने जो नज़दीकी सेतु केंद्र यानी जो तहसील है आपका, जो आप रेसिडेंस जहाँ पर है वो तहसील प्रीमाइसेस के अंदर सेतु केंद्र है रहता है, वो केंद्र से भी अप्लाई कर सकते हो, या तो आपके नज़दीकी माई सेवा केंद्र मार्फत भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको जो है आईडी प्रूफ देना होगा, एड्रेस प्रूफ, ईडब्ल्यूएस उत्पन्न का दाखला यानी उसे ईडब्ल्यूएस सेल्फ डिक्लेरेशन भी कहा जाता है, उसके बाद में महाराष्ट्र रहवासी प्रूफ 1967 का, यानी जो महाराष्ट्र के अंदर जो तुम ओबीसी का जो नियम है, नियमावली है, वही जो नियमावली ये ईडब्ल्यूएस के लिए लगता है। उसके बाद में आधार कार्ड लगेगा, अगर विवाहित स्त्री है तो मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा, प्रतिज्ञा पत्र यानी एफिडेविट लगेगा डोमिसाइल, और अगर आप शहरी भाग में रहते हो तो नगर सेवक का दाखला, अगर ग्रामीण में रहते हो तो ग्राम सेवक का दाखला, लाइट बिल, राशन कार्ड, स्कूल लिविंग इत्यादि सर हमें जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अभी महाराष्ट्र में जो ये नियमावली है, जो देखो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए जो नियमावली ओबीसी से मिलती जुलती है। अभी जैसे महाराष्ट्र के अंदर अगर आप ओबीसी अगर निकालना चाहते हो तो आपको महाराष्ट्र में 13/10/1967 का प्रूफ होना जरूरी है। उसी तरह ईडब्ल्यूएस में भी आपको महाराष्ट्र में 30/10/1967 पूर्वी का जो है प्रूफ होना जरूरी है। ओबीसी के अंदर जो है कास्ट, अगर जो ओबीसी कैटेगरी में है उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस जो है ओपन कास्ट वाले को भी मिलता है, और सिर्फ उसका जो इनकम और जो क्राइटेरिया है, मर्यादा है, वो हमने जो देखा था उसके अनुरूप होना चाहिए। अभी ये ओबीसी के लिए जो है हम अप्लाई नेटिव तहसील को ही कर सकते हैं, यानी आप 1967 के पूर्वी जहाँ रहते थे आपका नेटिव जो था उस तहसीलदार को ही अप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ईडब्ल्यूएस आप जो करंट रेसिडेंस है आपका है उस तहसीलदार से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जो महाराष्ट्र में रहवास है वो 1967 होना चाहिए,
और 1967 पूर्वी का आपके पास प्रूफ है, तो आप जो करंट रेसिडेंशियल एड्रेस है उस तालुके के तहसील ऑफिस को भी आप ये अप्लाई कर सकते हो। अभी ये जो ओबीसी सर्टिफिकेट है ये लाइफ में एक बार बनता है और इसको वैलिडिटी नहीं होती है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में आपको ये वैलिडिटी, अगर आपका जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैलिडिट पीरियड का है तो उसके बाद में आपको उसको रिन्यू करना पड़ता है। अभी ये जो है हमें अगर सेंट्रल या तो स्टेट का ईडब्ल्यूएस अगर ओबीसी अगर चाहिए तो आप देखो अपने सरकार पोर्टल से भी अप्लाई कर सकते हो, सेतु केंद्र से भी कर सकते हो, माई सेवा केंद्र से भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल ईडब्ल्यूएस के लिए आप अगर स्टेट या सेंट्रल का अगर ईडब्ल्यूएस लेना चाहते हो तो आपको सेतु केंद्र या तो माई सेवा केंद्र में ही जाना पड़ेगा और वहाँ से ही अप्लाई करेगा। और अभी जो ये अपने सरकार पोर्टल के ऊपर ईडब्ल्यूएस की जो लिंक है ये एक्टिव नहीं है, जब ये एक्टिव हो जाएगी तब उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद में फिर ये देखो ईडब्ल्यूएस के लिए आपको पहले पूर्वी जो है ईडब्ल्यूएस सेल्फ डिक्लेरेशन का ये आपको दाखला ये जरूरी रहता है, ये होने के बाद ही मतलब है ना आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई होगा। तो अगर आप मानो किसी महाई सेवा में जाओगे तो देखो वहाँ पे आपको जो है पहले वो आपका महाई सेवा केंद्र का जो बंदा है वो आपका ईडब्ल्यूएस 10% सेल्फ डिक्लेरेशन बनाएगा और उसके बाद फिर आपका ईडब्ल्यूएस 10% सर्टिफिकेट फॉर महाराष्ट्र गवर्नमेंट या तो आप उसी के तरह ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों भी। तो पहले वो सेल्फ डिक्लेरेशन करेगा, उसके बाद में आप अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए ईडब्ल्यूएस चाहिए तो वो भी निकाल सकते हो और उसी के साथ में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट भी अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये इसकी प्रोसीजर है, इसके टर्म्स कंडीशंस है। तो अगर आप सवर्ण जाति से है तो आप भी ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट निकालें और इसका जो है बेनिफिट्स आप लेने की कोशिश करें। दोस्तों आज के लिए हम यहीं रुकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जय महाराष्ट्र।